वेलकम टू चार्ट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में अल्गो ट्रेडिंग सेटअप नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, दैट इज स्पेशली फॉर बैंक निफ्टी, और ये पोजिशनली सेटअप है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेटअप इज सिंपल, ओके। आपको क्या फाइंड करना है, लास्ट टू कैंडल मस्ट बी रेड। ओके, सो ये कैंडल का क्या हुआ, ओपन, और ये क्या हुआ, क्लोज। अब आपको बाय कब करना है, जब भी लास्ट टू कैंडल रेड हो और वो दोनों रेड का जो ओपन है उसके ऊपर जाए तो, और यहाँ पे जो मिनिमम कंसीडर करना है, ओके, ये है और ये है, तो इसमें मिनिमम कौन सा है, ये कैंडल का है। ठीक है, तो ये कैंडल के ओपन के ऊपर जैसे ही क्रॉस हो आपको क्या करना है, बाय करना है, तो आपको यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, ओके, सो सिंपल स्ट्रेटेजी है, buy above the minimum of last two candle day open and last two candle must be red and stop loss is low of last two candle low। यहाँ पे low आएगा क्योंकि ये high है और ये high, तो यहाँ पे आपका ये low होगा। High means in terms of इससे ये जो value होगी ये इससे high होगी, है ना, so इसीलिए आपको ये low ये मिलेगा, तो ये आपका stop loss रहेगा, आपको यहाँ पे entry point होगी। So this is the simple strategy, okay। So let's I have implemented in a streak, okay। So what is this indicator I have used, nothing price action, it is a positionally not intraday, even you can square off intraday no problem, and it is a buy strategy, time frame is one day, and it is a positionally, you can do a positional also, okay, but right now it's not a situation to do positional, but let's see what is the result. Now you have to buy when, so close minus one day lower than close open, means this is for red candle, so last candle must be red, okay, second last candle must be red, so these two condition, that is for red candle। अब आपको close देखना है, close of zero, actually time frame one day है, लेकिन ये close zero आपका क्या रहेगा, मैं 5 minute पे check करूँगा कि 5 minute की candle पे इससे ज़्यादा है, then I will buy, ओके, वो पॉइंट पे जब भी सीएमपी आपके जो ओपन है लास्ट दो कैंडल के ओपन, ओके, उसमें जो मिनिमम का उससे ऊपर क्रॉस हो आपको बाय करना है, इसलिए जब मैं चेक करूंगा वो बाइंग कंडीशन वो 5 मिनट पे करूंगा, और ये अपना क्या है, डेली का वैल्यू है, सो क्लोज इज हायर देन मिनिमम ऑफ लास्ट टू ओपन, ओके, दैट इज ऑन डेली बेसिस कैंडल। अब आपको सेल कब करना है, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 1.5%, टारगेट क्या रहेगा मेरा 5%। ठीक है, अब सेल कब करना है, क्लोज 5 मिनट कैंडल, और कौन सी कैंडल है, 73, तो आप कंसीडर करोगे 73 कैंडल कौन सी होगी, सो 1 आवर में कितनी कैंडल आती है, 12, ओके, 5 मिनट की 12 कैंडल आती है, सो 12 × 5 = 60, मॉर्निंग के उस हिसाब से आप कैलकुलेट करना, तो अराउंड 325 का क्लोज आएगा। सो उस टाइम पे अगर वैल्यू लोअर देन लो ऑफ लास्ट टू कैंडल है तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे, ओके, क्योंकि हमें क्लोजिंग बेसिस पे चेक करना है कि क्लोज लोअर है, अगर आपको से उसी टाइम पे रखना है यू कैन डू इट, कोई भी 5 मिनट की कैंडल पे, ओके, वो भी हम कर सकते हैं, क्लियर, लेकिन उसमें आपको इट माइट बी पॉसिबल रिकवर हो तो वो आपको गेन नहीं मिलेगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो हम बैंक चार्ट पे एक बार एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे एग्जिट है आप लोगों के लिए। कोई भी लास्ट टू दो कैंडल ले लो, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लास्ट टू कैंडल है, पहले ये दो कैंडल थी, तो यहाँ पे देखो एक बाय हुआ ये पॉइंट पे, फिर हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया नेक्स्ट डे, अगर 1.5 यहाँ पे, अगर इस पॉइंट पे हम कंसिडर करें, अगर आपने एंट्री नहीं ली, ओके, क्योंकि ये मिनिमम हमने कंसीडर किया इसलिए, ओके, सिंपल प्रोसीजर है ना, ये देखो इसके ऊपर उसने हमने बाय किया 5 मिनट पे और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अगर हमने ये लास्ट टू कैंडल रेट कंसीडर की हो, ओके, तो हमारे ये एंट्री पॉइंट हुआ, ओके, और नेक्स्ट डे देखो आप उसके बाद पोजिशनली, ओके, आप ऐसा नहीं, लास्ट टू कैंडल का जो मैक्सिमम है ना वो भी आप रख सकते हो, मैंने यहाँ पे मिनिमम रखा है अर्ली एंट्री के लिए, आप मैक्सिमम भी ले सकते हो, तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे देखो वो कंडीशन मैच नहीं होगी क्योंकि इस दिन क्या हुआ, लास्ट दो कैंडल रेड नहीं है,
ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट नेक्स्ट सेटअप में बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने वो भी क्रिएट किया है, अभी फिलहाल ये कंसिडर करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंट्री हुई, आप यहाँ पे भी देख सकते हो से लास्ट टू कैंडल रेड। ओके, तो इसके ऊपर बाय करना है, तो नेक्स्ट दिन जब ओपन हुआ तो ओपन पे ही बाय करना है आपको। यहाँ पे रख गया, उसने स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, नहीं हुआ, फिर वापस देखो दूसरे दिन। ओके, सो आप इंट्राडे या फिर पोजिशनली 2 या 3 दिन लिए भी ले सकते हो। ठीक है, ट्रेंड एक बार जब आपको पता चल जाए कि क्या है प्राइस एक्शन से, तो आप ये भी एंट्री यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली इट इज प्राइस एक्शन बिकॉज वी आर कंसिडरिंग लास्ट टू डे हाई। ओके, सिंपल, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एंट्री हुई। अगर मैंने 1.5% निकाल लूँ, सिर्फ लास्ट टू कंसिडर करूँ, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ, तो यहाँ पे ट्रिगर हुआ है नहीं, बट यू हैव टू सी दर योर रिस्क मैनेजमेंट। दैट्स वाई वी हैव कीप्ट 1.5%। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट भी देखना है ना, इसीलिए हमने स्टॉप लॉस 1.5% रखा है, वरना एक्चुअल स्टॉप लॉस लास्ट टू दो कैंडल के लो, तो वो ट्रिगर यहाँ पे हुआ नहीं हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे देखो लास्ट टू कैंडल रेड है, लेकिन इसके ऊपर गया नहीं गया, एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे गया, यस, दैट इज आवर एंट्री पॉइंट। उसके बाद देखो इतना पॉइंट हमें मिला। अब सिंपली कैलकुलेट देख लो एक बार, कितना पॉइंट मिलता है, 20938 से लेके कितने तक, 21818,000 पॉइंट 2 ही दिन में। नॉट दिस राइट नाउ, इट इज अ ट्रेंडिंग मार्केट, आप देख सकते हो कहीं पे भी। चलो ये डाउनफॉल है, ऑलरेडी डाउनफॉल है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो एंट्री नहीं हुई, यहाँ पे एंट्री नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई, ये हमारा लास्ट टू कैंडल मस्ट बी रेड। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 दिन से रेड कैंडल है, 5 दिन से। नेक्स्ट दिन जैसे ही इसको क्रॉस हुआ 18366, उसके बाद देखो कितने तक हाई लगाया, 20। उस टाइम पे वो मार्केट बहुत वॉलेटाइल था। हाँ, आगे का भी देख सकते हो, बैंक निफ्टी है। ओके, ये देखो यहाँ पे हमें एंट्री मिली अराउंड 31069, ओके 31370, 394, तो 300 पॉइंट की रैली दूसरे दिन। ओके, यू कैन इजीली कैप्चर दोस मूवमेंट्स। यहाँ पे भी देखो आप, ओके दिस इज आवर एंट्री पॉइंट, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 31250, दो दिन में 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, और उसी दिन भी आप एग्जिट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा। सो आई हैव ओपन माई स्ट्रीक अकाउंट, स्ट्रिक में हम वो स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करते हैं, ऑलरेडी मैंने क्रिएट किए। मैंने यहाँ पे देखो 5 मिनट रखा है, क्योंकि मुझे 5 मिनट पे एंट्री लेनी है और 5 मिनट पे एग्जिट होना है, लेकिन ये जो वैल्यू है हमारा क्लोज ओपन, वो डेली बेसिस पे है। ठीक है, सो ये रेड कैंडल रिप्रेजेंट करेगा लास्ट कैंडल, ये सेकेंड लास्ट कैंडल रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपका क्या रहेगा, क्लोज 5 मिनट का क्लोज हायर देन मिनिमम ऑफ लास्ट टू कैंडल ओपन। क्यों ओपन, क्योंकि दोनों रेड कैंडल है इसलिए। और हमने कौन सा किया, ये देखा है 5 मिनट पे हमने लोअर मिनिमम कंसिडर किया है 1.5% तल 5। ओके, और एडवांस में जाकर आपको यहाँ पे क्या करना है, CNC, क्योंकि ये पोजिशनली है, जस्ट सेव एंड बैक टेस्ट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 24,788 मिले, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें 3 ही सिग्नल मिले हैं पूरे 3 मंथ में, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसमें से 2 प्रॉफिट 1 स्टॉप लॉस। ओके, हम देख सकते हैं स्टॉप लॉस कहाँ पे है, 15 जुलाई को 11:20, 15 जुलाई 11:20 बैंक निफ्टी पे है ना, 15 जुलाई यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ पॉसिबल ही नहीं है, उसने हाई लगाया फिर उसने वो दो दिन का लो भी ब्रेक कर दिया नेक्स्ट डे में। ओके, सो आप एनालाइज कर सकते हो, आपको ये भी कंडीशन रख सकते हो कि उसी दिन अगर ओपन से डाउन जाए तो आप क्या करते हो, एग्जिट हो जाए, तो आपका लॉस मिनिमम होगा, वो भी कर सकते हो, लेकिन कुछ केस में आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज बैंक निफ्टी। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे 7 सिग्नल, क्योंकि निफ्टी बैंक में हमने इसलिए किया है क्योंकि आपको पता चले, क्योंकि ये 3 मंथ का ही है। अब हम चेंज करते हैं पैरामीटर कौन सा है, 1 जान से पहले, सो जस्ट चेक इट।
1 जान से, सॉरी 1 जून से, सो मैं कंसिडर करूँगा 29 मई से पहले, एंडिंग डेट 29 मई. सो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 मार्च 29 मई. ओके मई, तो फ्यूचर में तो नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हो इसमें कितना प्रॉफिट हुआ. बैंक निफ्टी में 12 सिग्नल जनरेट हुए, 4 विन 7 लॉसेस. ओके 1478 × 25. आपको क्यों 25 करना है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी में क्वांटिटी नहीं होती, ये अपना फ्यूचर नहीं है, इसलिए तो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं होगी. सो आपको इंटू 25, तो अराउंड कितना प्रॉफिट मिला आपको, ओके 25 × 12, सो अराउंड 37-40,000 जैसे प्रॉफिट. लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, उस ड्यूरेशन का माइनस रिटर्न है 35 और वहाँ पे आप प्लस 5 गेन कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है, चलो आगे भी एक बार देख लेते हैं. 1 मार्च से पहले February 29, मुझे कुछ आपको एनालिसिस करके दिखाना है इसलिए. अब आप यहाँ पे देख सकते हो -11,000, विदाउट रिटर्न -8 है, यहाँ पे -11,000. जस्ट हम एनालाइज करते हैं, मैं आपको क्या क्या व्हाट आई वांट टू शो यू दैट वी विल डिस्कस. सो आप देख सकते हो एंट्री कहाँ पे है, 19 February को है. ठीक है, सो जस्ट ये बैंक निफ्टी 19 February, यहाँ पे, सो दिस इज अवर एंट्री पॉइंट. ओके आप देख सकते हो 30664 अराउंड होगा, 30850. ठीक है, 30850 अराउंड यहाँ पे पॉइंट होगा एंट्री. ओके और उसने वहाँ तक हाई कहाँ तक का लगाया है, नेक्स्ट डे 100. सो और यहाँ पे भी आपको 250 पॉइंट तो मिल ही रहे, ठीक है, क्योंकि 1.5% की वजह से मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है. कौन से दिन, 24 February को. ठीक है, यहाँ पे. ओके सो बहुत आपको गेन तो मिलेगा, आपको प्रॉपर एंट्री और एग्जिट करनी है, नथिंग एल्स. यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत सारे केसेस है. 11 February 9:15 आप देख सकते हो 11 February को एंट्री पॉइंट यहाँ पे है 31240. 2 दिन में उसने 576 का हाई लगाया, सो 300 पॉइंट आपको मिल ही रहे. ओके सो आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोजिशनली एग्जिट डिसाइड किए. लेकिन अगर आपको स्ट्रीक 1.5% या फिर ऐसा कुछ चाहिए, आपको इजीली मिल जाएगा. ओके सो दिस इज द सिंपल स्ट्रेटजी, और आप उसको ऑटोमेशन भी कर सकते हो, और आप ऑटो बाय और ऑटो सेल ही कर सकते हो. मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है. ओके क्योंकि स्ट्रिक में आपको यहाँ पे बाय और सेल पे क्लिक करना पड़ेगा अगर स्ट्रेटजी मेरी लाइव है तो. उसको भी मैंने क्रोम एक्सटेंशन से ऑटो बाय और ऑटो सेल किया है. ओके सो दिस इज द सिंपल स्ट्रेटजी. ओके सो यू कैन डू अ एनालिसिस एंड यू कैन टेक एंट्री एंड एक्सिट पोजिशनली ऑल्सो. आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो @chartraders. आप हमें मेल भी कर सकते हो chart.traders88@gmail.com. अगर आपको Zerodha, Upstox या फिर LSB में अकाउंट ओपन करना है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, वहाँ पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ अदर्स. थैंक यू.